स्टार्ट द सूप बिजनेस इन दिस विंटर एंड बिकम रिच. सूप का कारोबार करें और अमीर हो जाएं. प्लीज़ लाइक अस, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल बटन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिजनेस इन्फो पाकिस्तान की जानिब से मेरे गुलाम रसूल हाज़िर ख़िदमत में और आपकी ख़िदमत में सलाम अर्ज़ करता है. आज का जो बिज़नेस आइडिया है वो बहुत ही लाजवाब बिज़नेस आइडिया है, क्योंकि ये सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपये में शुरू हो सकता है और हज़ारों की महाना आमदन आप इसे हासिल कर सकते हैं. इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल बिज़नेस इन्फो पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें. अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इल्म का फैलाना भी सदका जारी है. आज का कारोबार जो है वो सूप बिज़नेस है, जो कि आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी कॉर्नर से, किसी दुकान से. अगर ऑलरेडी आपका कोई बिज़नेस है तो उसके बाहर से स्टार्ट कर सकते हैं, और आप इसको दुकान से शुरू कर सकते हैं, ठेले से शुरू कर सकते हैं, वैसे पॉइंट बनाकर गाड़ी में स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसको किसी रिक्शा में स्टार्ट कर सकते हैं. बहुत ही आसान बिज़नेस है, इसमें कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है. आजकल सर्दी का मौसम है और हर बंदा जो है वो सूप पसंद करेगा. अगर आप इसकी क्वालिटी अच्छी देंगे और आप अच्छा इसका मटेरियल आप अच्छा यूज़ करेंगे, और आजकल मुर्गी भी सस्ती है और आप 50 से 80 रुपये 100 रुपये कप तक आप बेच सकते हैं. इसमें दो तरीके हो सकते हैं, आप इसको टेक आउट भी बेच सकते हैं और इसको वहाँ बैठकर बैठने का भी इंतज़ाम करके. आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 टेबल रखें, 4 से 8 कुर्सियाँ रखें, प्लास्टिक की कुर्सियाँ मिल जाती हैं वो रखें. इसके लिए आपको एक पतीला चाहिए, एक जो आपको चूल्हा चाहिए जिसमें कोयले हों और ताकि सूप गर्म रहे. कुछ आपने प्याले लेने हैं जो सूप वाले हों, सूप वाली चम्मच चाहिए, और एक टब होगा जिसमें पानी होगा और वो आप साथ साथ उसको धोते जाएंगे. इसमें मैन पावर भी ज़्यादा नहीं चाहिए, एक बंदा चाहिए जो सूप देता जाए और एक जो है हेल्पर चाहिए. जो मैंने आपको मैक्सिमम आपको बताया, इसमें 10 से 15 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आप अच्छी एक चीज़ बनाएंगे, आप जो रेसिपीज़ जो हैं वो यूट्यूब भरी हुई है, अच्छी रेसिपीज़ लेनी है तो मैंने खुद मैं देखता रहता हूँ उसमें. किचन विद आमना है या किचन विद आबदा मैनाज है, मैनाज आबिद है सॉरी, और इसी तरह एक बाबा फूड्स RRC है, वो बड़ी अच्छी रेसिपीज़ बताते हैं. आप उनको फॉलो करें तो बहुत इजीली आप सूप जो है वो तैयार कर सकते हैं. सिर्फ इसको आपका पॉइंट अच्छा होना चाहिए जहाँ पर आप बेच रहे हैं, आबादी वाला होना चाहिए, और इसको आप पार्ट टाइम अगर करें तो शाम के टाइम पर किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर हॉस्टल्स हैं या जो है वो ज़्यादा रश वाला इलाका है, या जो इवन मार्केट शहर की जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं, किसी भी दुकान के बाहर आप एक ये लगा सकते हैं. और आप जैसे कि आपको बताया कि इसमें आपको ज़्यादा नहीं है ज़रूरत, आप घर वालों को इन्वॉल्व करके, अगर आपके घर में आपकी जो वालदा या आपकी वाइफ या आपकी बहन कोई आपको सूप तैयार कर दे तो आपका काम सिर्फ बेचना रह जाएगा. तो यहाँ से देखें, हमारे लोग जो है वो मिडल ईस्ट में जाकर पैसे कमाने के लिए जाते हैं और वहाँ से 40-50 हज़ार रुपये मैक्सिमम उनकी आमदन होती है. आप यही आमदन इससे सूप के बिज़नेस से पार्ट टाइम करके हासिल कर सकते हैं. और अगर इसको आप गर्मियों में देखेंगे तो गर्मियों में आप उसी पॉइंट पर कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस वगैरह बेच सकते हैं. सिर्फ इस कारोबार के दरमियान और आपके दरमियान फ़र्क जो है सिर्फ वो आपके एक्शन का है. आप अल्लाह का नाम लेकर, अगर आप बेरोज़गार हैं, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें तो अल्लाह आपकी मदद करेगा और कारोबार में आपके बरकत होगी. तो यही आज का आइडिया था कि भाई कई दफ़ा आइडिया का पता होता है लेकिन वो जहन में नहीं आया होता है, तो आज इसके मौसम के मुताबिक से एक अभी आइडिया ये दिया है, एक और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम एक दो आइडिया ऐसे ही देंगे जो कि सर्दियों के मौसम के मुताबिक होंगे. तो नेक्स्ट टाइम तक अल्लाह हाफिज़.